राधे दी बहन जी सी सां। तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ आलू कुलचे की रेसिपी, जो बहुत ही यूनिक लगती है, बढ़िया यार मज़ा आता है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 2 कप ली है मैदा, और उसमें मैंने आधा कप डाला दही, और थोड़ा सा डाला है तेल, और डाला है इसमें नमक टेस्ट का अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच डाली मैंने चीनी। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से इसको मतलब मल लेना है, जैसे अपन भटूरे का आटा मलते हैं, बस उस टाइप का आटा मलना है। और इसको देखिए मतलब थोड़ा सा ना अच्छा सा मल के, और तब रखेगा 10 मिनट के लिए इसको सेट होने में। तो आज फ्रेंड मुझे हिचकी भी आ रही है, और फिर मैंने 2 लिए हैं मैंने उबले आलू, और थोड़ी सी मैंने चॉप की हुई है मैंने डाली है इसमें ऑनियन, और फिर हरी मिर्च डाली है, और फ्रेंड इसमें डाला है थोड़ा सा हरा धनिया। आप जितना धनिया पत्ती डालो तो अलग ही यार मज़ा आता है। तो और मैंने इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी। तो ये सब फ्रेंड इसमें मैंने डाल दी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से ना मिक्स कर लेना है, इसमें कि सब चीज़ मतलब मसाला आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, नहीं कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इस जैसा ना रहे फ्रेंड। तो एक चीज़ मैं भूल गई थी, वो अमचूर पाउडर भूल गई थी, तो वो भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक पेड़ा लिया है, जैसे रोटी का लेते थे, तो उससे रोटी से थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो इसको हल्का सा बेल के फिर से स्टफिंग कर भरनी है। तो फ्रेंड बस वही आलू की आप अपने हिसाब से स्टफिंग भर लीजिएगा, जितनी भी आपको चाहिए मतलब सही लग रही है उस हिसाब से भर लीजिएगा। तो मैंने 1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग करी भरी है। तो अब इसको फ्रेंड थोड़ा सा हल्का सा ना इसमें सूखा मैदा ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना आलू तो एक्चुअली में ऑलरेडी निकलने को तैयार रहते हैं। तो फिर थोड़ा सा हल्का सा हल्के हाथ से इसको करिएगा, क्योंकि ना फिर निकल जाएंगे साइड से। तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसको करते तवे पे डाल दीजिएगा, और धनिया पत्ती यार थोड़ी सी कम रह गई तो आप थोड़ी अच्छी सी धनिया का पत्ती डाल दीजिएगा, क्या कहते हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा, और नीचे तो लगा ही हुआ है। अब इसको गैस पे आपको सेकना है, बेस्ट फ्रेंड सेक रही हूँ, वैसे आप सेकेगा इसको, यार इसकी बहुत आ रही है, यानी कौन याद कर रहा है। तो फ्रेंड इसको ना अच्छे से मतलब आप सेक लीजिएगा, और थोड़ी सी ना मतलब एक ही सीख गई है, पीछे तो ऑलरेडी सीख गई थी, पीछे सीख जाए तब जाके आप इसको तवे को वो करिएगा, पलटिएगा इसको, और फिर इसमें बटर लगाइए यार, और फिर आप सब्जी से भी खा सकते हो, नहीं तो यार ऐसे ही खा लो, बहुत टेस्टी लगती है, इससे आलू का पराठा होता ना उससे भी बढ़िया बनती है। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिए। मिलते नेक्स्ट रेसिपी में, बाय। जय श्री श्याम, राधे राधे।